गीता जयंती महोत्सव पर वैसे तो कोरोना की मार साफ देखी जा सकती है, लेकिन अगर आप गीता जयंती महोत्सव में आना चाहते हैं और कुछ अच्छा देखना चाहते हैं तो पहुंचिए ज्योतिसर, जहां पर हर शाम करीब 6 बजे आप लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से महाभारत की घटनाओं का सजीव चित्रण देख सकते हैं। पानी की लहरों पर बनती कृष्ण अर्जुन की तस्वीरें, बेहतरीन साउंड सिस्टम और वर्ल्ड क्लास टेक्निक के सहारे आप यहां देखेंगे महाभारत और श्रीमद् भगवद गीता के प्रमुख प्रसंग। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा संचालित इस लाइट एंड साउंड शो में शत्रुओं को जीत, इस समृद्धशाली राज्य को, इन सबों को तो मैंने पहले ही मार दिया है, तुझे तो बस निमित्त बनना है पांडव। मेरे पास केवल वो लोग आ सकते हैं जो अपने समस्त कर्म मुझे अर्पित कर देते हैं, जो मेरी ओर उन्मुख हो, जो मेरे भक्त हो, जो इस संसार के सभी भूत पदार्थों और प्राणियों के प्रति शत्रुहीनता की भावना रखता हो, केवल वो ही मुझे प्राप्त कर सकता है पार्थ। शनय शनय अर्जुन का मन कुछ स्थिर होने लगा। ठीक से देखा है, न जाना है और न तेरी हिम्मत न होती इस तरह मुझे भरे दरबार में घसीटने की। इस शो के ऑपरेटर राजीव बता रहे हैं कि क्या खास है इस शो में। जी, जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, वहां कई सालों से लाइट और साउंड के माध्यम से भगवान का गीता सार के बारे में बताया जाता था। इस बार अभी लॉकडाउन में बंद था, लेकिन एक आधुनिक टाइप से अभी विगत सात पिछले साल अगस्त में मुख्यमंत्री साहब ने उद्घाटन किया, 6 करोड़ की लागत से एक आधुनिक युग से विजुअल लाइट एंड साउंड शो बना है, जिसके माध्यम से बहुत अच्छा हमारे हिसाब से अगर इसको कोई देखता है तो बिल्कुल भगवान के साक्षात उसका लगेगा कि हमने सीधे लाइट और साउंड के माध्यम से हमने पूरा गीता सार को सुना है और बहुत अच्छी तरह से दिखाई जाती है। समय क्या रहते हैं इसके? समय आफ्टर सनसेट, जैसे आजकल सर्दियों का टाइम है तो 6:15 बजे तक हमारा सनसेट हो जाता है, गर्मियों में 7:30-8 बजे तक। एंट्रीज किस तरह होती है इसके लिए, टिकट है? इसके लिए ये सारा प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अंदर है, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड इसको देख रेख कर रही है। इसमें कई टाइप से टिकट का प्रावधान रखा, जनरल के लिए 30 रुपया रखा गया है, हमारे आर्मी डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट में जो है उनके लिए 10 रुपया रखा गया, विकलांगों के लिए 10 रुपया रखा गया है, ग्रुप में 5th क्लास के नीचे जो स्टूडेंट है उनके लिए 10 रुपया रखा गया है, जो उससे बड़े स्टूडेंट है उनके लिए 20 रुपया रखा गया है। तो आनंद पूरा आता है लेटेस्ट? बहुत आनंद, लोग जोरों से तालियां बजा के वाह वाह कहते हैं, मतलब ऐसे इस टाइप से बना है कि लगता है कि एक हम उस युग में आ गए भगवान की, जो हमने सुनते आ रहे थे, लेकिन जब देखते हैं तो उनकी भावनाओं में वो डूब जाते हैं, गीता के सार में डूब जाते हैं।